आपकी 5-7 क्लासेस में ऐसे चलेगा, फिर आपके साथ एडवांस हो जाएगा, हर चीज नहीं होगी आपकी। तो आज का टॉपिक है शॉर्टकट हैंडलिंग। शॉर्टकट हैंडलिंग से पहले हम एक्सेल के बारे में जानते हैं। बेसिकली एक्सेल, आप दोनों, आप सब जितने भी है लोग हैं, सारे के एक्सेल से फैमिलियर हैं। एक्सेल क्या होता है बेसिक कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, कि सीट क्या होता है, रेंज क्या होता है, कॉलम लो, ये आप जानते ही हैं। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशंस आपको एक्सेल में नहीं, आगे चल के वीडियो प्रोग्रामिंग वगैरह में आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो या फिर मेरा ये मानना ये है कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम सीखते हैं, उसके लिमिटेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। अगर उसके लिमिटेशंस के बारे में पता नहीं है, तो फिर हम उस सॉफ्टवेयर को और अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, लिमिटेशन से मतलब है कि हमारे पास कितने रो, कितने कॉलम हैं, ये नहीं, हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, हम एक सेल में कितनी चीजें टाइप कर सकते हैं, कितने सीट इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कि सेल में एवरीथिंग जानना चाहता हूं। तो उसके लिए कहां से जाने, देखिए एक्सेल का हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके एक्सेल के अंदर ही अवेलेबल होता है। आपको लिमिटेशन के बारे में जानना है तो एक्सेल का F1 प्रेस कीजिए, आपको एक्सेल हेल्पफुल के आता है। इसमें आप सर्च कीजिए लिमिट, LIMITS लिमिट, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्सेल लिमिटेशन। हाँ मतलब कि आप कोई भी चीज हम लोग को ढूंढना होता है, हम लोग कहाँ ढूंढते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं। इसकी बता दूं, जो गूगल पे चीजें आप ढूंढते हो, वो गूगल पे चीजें दी हुई चीजें सही नहीं होती है, हर चीज सही नहीं होती है। क्यों? कि गूगल पे कौन डालता है, हम आप जैसे लोग डालते हैं, जरूरी थोड़ी कि सही हो। क्या गलती हो सकती है? लेकिन एक्सेल हेल्प में आपकी जो चीजें डली हुई है, वो सारे एक्सेल, जिसने एक्सेल बनाया है, जो एक्सेल का प्रोग्रामर होगा या भी एक टीम डाला होगा, हर चीज को प्रूफ रीड करके, ऐसे नहीं डाल दिया होगा, हर चीज की प्रूफ रीडिंग करके डाली गई। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है एक्सेल लिमिटेशन, इसके फीचर्स हो गए यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट। अब इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक बार इसको कैजुअली आप पढ़ लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। हेलो, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि इस पे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बार कैजुअली पढ़ लोगे तो इन फ्यूचर में जब कभी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक फीचर और उसकी मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल है। जैसे वर्कशीट की साइज कितनी होती है, एक कॉलम की विड्थ कितनी बड़ी हो सकती है, रो की हाइट कितनी हो सकती है, पेज ब्रेक कितनी हो सकती है। अब इसलिए सवाल उठता है, हमें क्या जान के जरूरी है कि कॉलम को कितना बड़ा कर सकते, जितना बड़ा करना हो जाएगा, जरूरत क्या है जानना, इसकी लिमिटेशन क्या है, क्या बात कर रहे हो? हाँ वही तो है ना, कि अगर मैक्सिमम साइज जानने का रीजन ये है ना कि देखिए क्या है कि अगर आपको मान लो कि कॉलम, अगर मुझे एक कॉलम बड़ा करना, आई को जे कॉलम को बड़ा करना है, तो हम माउस से पकड़ के बड़ा कर देते हैं, जहां पे बड़ा हो उस पर बड़ा नहीं होगा। अगर मान लो कि सेम काम अगर हम वीवीए प्रोग्रामिंग से करें मैक्रो में, हमें इसको लिखना पड़ेगा रेंज या कॉलम जे बाई जे डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू एक पार्टिकल नंबर देना पड़ेगा। कभी आपको ऐसा मैक्रो बनाया जिसमें आपको बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, तो आपने बड़ा के बहुत बड़ा कॉलम चाहिए 1000 डाल दिया अंदाज से, तो क्या 1000 मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम लेंथ से कम या ज्यादा है? अगर ज्यादा हुआ तो एरर आएगा, वहां पे एरर आएगा। अगर ये चीज पता होगा तभी तो वहां आप देखोगे हाँ लिमिट इसकी कम है, क्योंकि प्रोग्रामिंग तभी होती है जब एक्सेल पे अच्छी नॉलेज हो आपकी, ताकि एक्सेल को ही जो काम आप माउस से करते हो, कीबोर्ड से करते हो, उसी काम को आप वहां पे आप कोडिंग से कर रहे हो, तो वहां पे जानने की जरूरत पड़ती है। दूसरा कि एक सेल में हम कितना टाइप कर सकते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम फॉर्मूला टाइप करते हैं तो हमारा फॉर्मूला सही होता है फिर भी रिजल्ट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक करेक्टर टाइप करने की लिमिट है, एक सेल में आप कितने करेक्टर टाइप कर सको। जब फॉर्मूला टाइप करते हो तो एक करेक्टर हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करेक्टर हो गया ना, कहने यहाँ पे इसकी एक करेक्टर आपको दिख रहा है, एक जीरो तो एक करेक्टर, लेकिन इसके अंदर फॉर्मूला भी तो वही होता है अंदर टाइप हुआ है।
अगर इसकी लेंथ इसकी मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा चला गया तो फॉर्मूला परफॉर्म नहीं करेगा। तो आप देखो साहब फॉर्मूला सही है फिर परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहा है, उसका रीजन यही है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा बात है कि मैंने ए डाला, यहाँ पे रिपीट कमांड डालता हूँ। रेप्ट कमांड क्या करता है कि इसको जितना बार बोलोगे उतना बार रिपीट कर लेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको कि तुम 40,000 बार रिपीट करो, वैल्यू आया। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम इसको अगर जीरो जीरो कम करते हैं, 4,000 करते हैं तो आ रहा है, हम यहाँ पे 30,000 करते हैं तो भी आएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम लाइफ 32,767 है, तो इससे ज्यादा एक सेल में करेक्टर ना डल सकता है ना डिस्प्ले हो सकता है। ये चीजें पता होगी तभी तो वहां पे आप सब अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम लिमिट आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप उसको एक बार कैजुअली रीड कर लेना, या आपके एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, एफ1 पेज करके आ जाएगा। नहीं आएगा तो मुझे बोलना, मैं प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा। अच्छा, आ जाना चाहिए, आ जाता है। नहीं नेट से नहीं है, ये तो ऑफलाइन दिखेगा, ऑफलाइन है ना। एक्सेल के साथ एक्सेल हेल्प आता है ना, हर एप्लीकेशन में होता है। क्लियर है? तो समझ में आएगा लिमिटेशन आप क्यों जानोगे। अब बात करते हैं, एक्सेल हेल्प की बात आई कि अगर मान लीजिए मुझे किसी और किसी भी कमांड के बारे में जानना है, तो उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओ तो उसकी उस कमांड के बारे में आपको पता चल जाएगा। जस्ट उससे कर्सर फिर रखो, वहां पे यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कमांड का यूज क्या है और कैसे यूज करें। ठीक है, अगर इस पे आपने F1 प्रेस कर दिया तो हेल्पफुल आएगा और उसमें उसी को दिखाएगा। याद है कंडीशन वर्डिंग दिखाया ना, हमने किस पे क्लिक किया था? कंडीशन वर्डिंग पे क्लिक किया था। मैं फॉर्मूला टेबल पे क्लिक करूं, अब इसमें इसमें नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें F1 नहीं डला हुआ है। इस पे देखिए नीचे F1 आ रहा है, जिसमें F1 आ रहा है ना उसी को टच करके बताएगा। जैसे मैंने नहीं आ रहा ना, इसमें F1 आ रहा है, आ गया मर्ज। तो जैसे कर्सर लेके जाओगे, एक तो आपको शॉर्ट नोट दिखा रहे, यहाँ पे बात हुआ शॉर्ट नोट दिखा रहा है, पर इसमें अगर मैं F1 प्रेस करूंगा तो होम आएगा आपका हेल्प का। लेकिन अगर जिसके नीचे F1 डला हुआ आ रहा है आपको, जैसे कि आपको अगर हम बात करें F1 डला हुआ ना फिल कलर का, F1 प्रेस करूंगा तो वहां पे फिल कलर का मुझे हेल्प आएगा। तो यहां से आप पता कर सकते हो। अब यहां पे समझ में नहीं आई चीजें या फिर कंफ्यूजन लग रही है तो इन गूगल पे या यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको जो है 60% यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, 40% के लिए बाहर जाना पड़ेगा इसके ट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो हेल्प आपको यहां से F1 प्रेस करके आ जाएगा। अब बारी आती है शॉर्टकट्स की। अब शॉर्टकट्स लोगों को जानने की भी जिज्ञासा होती है, हर कोई जानना चाहेगा शॉर्टकट क्या होता है। तो एक सिंपल सवाल उठ के आता है कि अगर शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है? करेक्टर यूजर इंटरफेस, ये है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा आपने तो, है ना, CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, करेक्टर यूजर इंटरफेस। DOS क्या है? करेक्टर यूजर इंटरफेस है ना। DOS नहीं जानते तो करेक्टर यूजर इंटरफेस है ना, माउस चलता है, माउस चलता है क्या DOS में? हर काम की करेक्टर से होता है। करेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपके जो माउस इवेंट नहीं हुआ था, आई थिंक 83 या 87 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, जेरॉक्स ने माउस पहले निकाला था, पहले फर्स्ट जेरॉक्स निकाला, देन एप्पल ने उसको और सिंपलाइज करके निकाला, देन IBM लेके आया। हम लोग यूज कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो IBM की टेक्नोलॉजी है।
एप्पल ने 90 से पहले नहीं आई, 95 में आपको, 98 में आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आई है विंडो 98। इंडिया में सिस्टम का क्रेज कब बढ़ा है? सतासी में तो राजीव गांधी की सरकार थी, 87 में थी ना, 86-87 में थी, उसमें राजीव गांधी ने कंप्यूटर लेके आया था, फर्स्ट कंप्यूटर आया था, मैं आया था ना, उसे पहले था मैनुअल वर्क था। अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपका कंप्यूटराइज नहीं हुआ है। फर्स्ट जनवरी 2014 को तो आपका पोस्ट ऑफिस कंप्यूटराइज हुआ है पूरी तरह से। अभी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो मैनुअल वर्क यूज कर रहे हैं, कंप्यूटराइज नहीं हुआ। रेलवे कंप्यूटराइज भी नहीं, रेलवे भी आपका कंप्यूटराइज नहीं है पूरी तरह से, फुल्ली कंप्यूटराइज नहीं है। फुल्ली कंप्यूटराइज का मतलब क्या हुआ? नो पेपर वर्क, ये होता है ना, फुल्ली कंप्यूटराइज मतलब नो पेपर वर्क, कोई पेपर की जरूरत नहीं है, पूरा कब आपको कंप्यूटराइज की जरूरत। इसमें आपका कोई भी डिपार्टमेंट नहीं, हर डिपार्टमेंट में मैनुअल वर्क होता है, ठीक है। तो मतलब कि दो, अगर किसी ऑप्शन को यूज करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम कीबोर्ड के जरिए कमांड देते हैं, जब कॉपी करना है तो हम कंट्रोल की कर देते हैं, या फिर कॉपी का एक यहाँ पे ग्राफिक्स बना हुआ है उस पर हम पॉइंट करके कमांड देते हैं। तो माउस से जब हम काम करते हैं, अगर कीबोर्ड से काम करते हैं तो माउस से, जब कीबोर्ड से काम करते हैं तो माउस से अपेक्षा हमारा 30% फास्ट हो जाता है, वर्किंग स्पीड बढ़ जाता है। हाँ, अगर कीबोर्ड से प्रॉपर काम करते हो, चलिए कि आप ढूंढ ढूंढ के काम कर रहे हो वो की बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपर कीबोर्ड पर अच्छा खासा, जैसे माउस पर कमांड है, कीबोर्ड पर कमांड है आपकी, तो माउस से अपेक्षा आप जो है 30% आपका वर्किंग स्पीड बढ़ जाता है। इस बात को मैं भी मानता हूँ, एवरेज 30% का रखा गया है। तो अगर मुझे किसी भी ऑप्शन के शॉर्टकट के बारे में पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? सिंपल, उस पर कर्सर लेके जाइए, आपको वहां पर उसकी शॉर्टकट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर, अब क्वेश्चन इसमें उठ के आता है कि कंट्रोल शिफ्ट, मैं मतलब कि इस तरह से हम एक एक करके देखें तो काफी टाइम लग जाएगा। मुझे एक लिस्ट चाहिए, किसकी तरह? लिमिटेशन की तरह। तो लिस्ट आपको एक्सेल हेल्प दे देगा, यहां पे टाइप करो शॉर्ट कट, आ गया एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शन की, ये आपके की रहेगा, सॉरी की डिटेल, ठीक है। अब इसको रट्टा मारने से याद नहीं होगा, इसके यूज कैसे करोगे? आप अपने ऑफिस में, आपके पास एक डेढ़ घंटे का टाइम होगा, या फिर आप घर पे जो काम करे बैठे, तो दिन में 2 घंटे आप एक डिसाइड कर लीजिए कि दिन में 2 घंटे मुझे जो काम करने है पूरी की पूरी कंप्यूटराइज करने है, सॉरी कीबोर्ड के जरिए करना है, नो माउस में, बिल्कुल माउस का यूज ही मत करो, पूरा काम कीबोर्ड के जरिए करो, ठीक है। 1.5-2 घंटे ऐसा टाइम निकालो जिसमें आपका काम कम होता हो या फिर काम का डेडलाइन ना होता हो। धीरे धीरे 2 घंटा आपका ऑफिस का पूरा आवर बन चुके, ऑफिस आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम लगेगा उसमें, 2-3 महीने का टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। जैसे आपको कंट्रोल सी करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, एंटर प्रेस करने के लिए सोचना पड़ता है, दिमाग अपने हाथ अपने उंगली पर एंटर प्रेस कर सकते, क्योंकि आपने इतने यूज कर रखा है कि दिमाग को जैसे जरूरत पड़ता है आपका उंगली चल जाता है, ठीक है ना। तो सेम तरीके से बाकी काम भी आपका हो जाएगा, कब? जब आपका करोगे, यूज करोगे।
ठीक है। अब मैंने आपको बता तो दिया कि आप बिल्कुल माउस यूज ना करो, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके हर फीचर्स के लिए शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है। जैसे मुझे कलर अप्लाई करना है, तो कलर अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट नहीं है, देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, या फिर हैवी तो आपको याद नहीं है, हैवी तो आपको याद नहीं है। तो ऐसे जिसके शॉर्टकट आपको याद नहीं है या फिर है ही नहीं, ऐसे कमांड को आप माउस के बगैर भी यूज कर सकते हो। अपने कीबोर्ड का जैसे अल्ट की प्रेस करोगे तो आप देखो ऊपर आपके जो मेनू बार है ना, तो सारे एक्टिवेट हो गए, और हर मेनू बार के आपका एक बॉक्स में टेक्स्ट आ गया, एक करेक्टर आया हुआ, वो करेक्टर आपका जो है ना शॉर्टकट। जैसे होम, एच के लिए दबा दिया होम में आ गया, कलर करने के लिए एच, कलर सेलेक्ट किया एंड एंटर प्रेस कर दिया, बोर्ड अप्लाई करना है ऑल्ट प्रेस किया, सॉरी ऑल्ट प्रेस किया, एच फॉर होम, बोर्डर के आगे क्या लिखा हुआ है, बोर्डर के आगे डी है ना, डी ऑल बोर्ड के लिए, तो याद हो गया। और ये फर्स्ट टाइम तो दिक्कत हुआ, सेकेंड टाइम क्या होगा, अभी याद हो गया, बोर्ड अप्लाई करने के बताया ऑल्ट एच डी ए, ऐसे आपको पूरे पूरे मेनू बार में यूज कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करना हो तो आपके कीबोर्ड में राइट क्लिक का ऑप्शन होता है, ठीक है, सोचना होता है, ये लिस्ट बना होता है आपका, उसके बाद आपके राइट क्लिक आ जाता है। जब आपने राइट क्लिक किया तो जो ऑप्शन खुल के आया उसमें देखिए कि हर एक चीज सब में एक चीज कॉमन है, किसने किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन है, वो आपका शॉर्टकट है। जैसे मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो मैं यहां पे कर्सर ला के एंटर मारू, या फिर मैं राइट क्लिक करके एस के नीचे अंडरलाइन है ना, एस प्रेस कर दू, ठीक है। अब मुझे इसमें अगर आगे मुझे मूव इसके अंदर मैं करना है तो टैब यूज करके करूंगा, मैं टैब से यहां मैं अंदर मूवमेंट करूंगा, ठीक है। और अलाइनमेंट में जाना है तो कंट्रोल टैब, मैं टैब से अंदर मूव करूंगा, फॉन्ट में जाना है तो कंट्रोल टैब, बॉर्डर में जाना है तो कंट्रोल टैब, अरे हाँ कंट्रोल प्लस टैब मूव करने के लिए होता है। ये आपके इंटरनेट पे भी होता है, अगर मुझे इंटरनेट में अगर मान लो कि वापस YouTube के आगे न्यू फिल्म में न्यू टैब में जाना है तो कंट्रोल टैब कर, ठीक है। वापस आना जो फॉन्ट बॉर्डर पे हो मुझे फॉन्ट पे आना है तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल टैब से आगे जाता है, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे आता है, ठीक है। सिर्फ हमेशा रिवर्स का काम करता है, हमेशा रिवर्स का काम करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड का एरो, आप एरो कर्सर मूव करने के लिए एरो की यूज करते हो, मान लीजिए आपका कीबोर्ड का जो आपका जो कर्सर है वो कर्सर कीबोर्ड का कर्सर काम नहीं कर रहा है तो कैसे मूव करोगे, टैब से आगे जाओगे, शिफ्ट टैब से पीछे आओगे, क्योंकि हम जानते हैं शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, एंटर से नीचे आओगे, शिफ्ट एंटर से ऊपर जाओगे, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर अलग हो जाता है, वो तो एरे परफॉर्म करने के लिए होता है। सिंपल बात तो है, टैब से आगे जाते हैं और शिफ्ट टैब से पीछे आते हैं, शिफ्ट हमेशा रिवर्स का काम करता है, और टैब से आगे जा रहा है शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूंगा तो ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आपको होता है ना कि आपने छोटा ए लिखा है, छोटा ए है ना, अगर शिफ्ट के साथ ए डालूंगा तो इसका रिवर्स क्या होगा, बड़ा ए, ठीक है ना। ऐसे अगर हमने कंट्रोल टैब किया था ना, कंट्रोल टैब तो आगे बढ़ने के लिए होता है, लेकिन हम मुझे पीछे आना है तो कंट्रोल टैब तो रहेगा रहेगा, उसके साथ शिफ्ट आ जाएगा, तो शिफ्ट ही रिवर्स होता है ना, शिफ्ट लगते ही रिवर्स हो जाता है, लाइक माइनस, ठीक है ना, क्लियर है। अगर मैंने बोला कि आपके सिस्टम आपका एक्सेल काम ही नहीं कर रहा है, सॉरी सॉरी आपका कीबोर्ड वर्क ही नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी आपके कीबोर्ड में, आपका कीबोर्ड परफॉर्म ही नहीं कर रहा है,
अब अर्जेंट कुछ काम करना कैसे करोगे? तो माउस के जरिए टाइपिंग कैसे करोगे आप? आपके सिस्टम में ज्यादा पता नहीं होता, एक होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है, इसका यूज कर लोगे ना? हाँ माउस से जो भी पूरा कीबोर्ड की जगह होता है, वर्चुअल कीबोर्ड बोलते हैं इसको। पता कि हर सिचुएशन में आप काम कर सको ऐसी तकनीक आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर चलो आप शॉर्टकट हैंडलिंग आपने सीखा, तो शॉर्टकट हैंडलिंग के जरिए आपने एक्सेल पे तो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर दी, बाकी जगह पे मुझे अगर फाइल को रिनेम करना है या कुछ करना है डेस्कटॉप पे करना है तो मुश्किल है। तो आप विंडो से शॉर्टकट भी देख सकते हो, विंडो बटन के साथ F1 पे यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपको विंडो का शॉर्टकट, विंडो का हेल्पफुल क्या आएगा इसमें? हाँ F1 हर किसी के लिए होता है, यहाँ पे सर्च करो शॉर्टकट, शॉर्टकट में स्पेलिंग मिस्टेक है, आ जाए कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, ऐसे आप MS वर्ड खोल लो, MS वर्ड का F1 प्रेस करो, इसके शॉर्टकट चाहिए तो इसके शॉर्टकट, या कोई भी चीज चाहिए सर्च कर सकते हैं। डिस्प्ले कंट्रोल टैब कंट्रोल शिफ्ट टैब आ रहा है ना, आपके यहाँ विंडोज में भी आ रहा है, न्यू शॉर्टकट, जनरल शॉर्टकट, इसको बस इसको आप इसको पढ़ लो। मैं इसको अगर याद करने की जरूरत नहीं तो क्या पढ़ लोगे सही रहेगा ना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आ जाएगा। ठीक है, हाँ ले सकते हो। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है अब बात करते हैं हम, अब मान लीजिए इस फाइल के बारे में आपको जानना है तो इसको खोलना पड़ेगा ना, नाम से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिना फाइल को खोले इसके बारे में बता कर सकते हो आप? डेटा देखो, मान लो कि आपने 6 महीने पहले कोई फाइल बनाया था, फाइल का नाम याद नहीं है आपको, तो कैसे पता करोगे? डेटा देख के पता चला है, रिपोर्ट देख के, तो हर बार फाइल को ओपन करना पड़ रहा है ना। लेकिन एक काम है जिससे आपको फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा ऐसे, जैसे आप देखिए कर चले आगे देखा ना, सुजीत कुमार पिवट टेबल डेटाबेस सब्जेक्ट एडवांस पेवर, समझ में आ गया इससे एडवांस पाइवट का है, पाइवट टेबल का डेटाबेस है। ये कैसे हुआ? हमने इसकी प्रॉपर्टी मेंटेन की है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, डिटेल, यहाँ पे जो लिखना चाहते हो लिख दीजिए आप, जैसे यहाँ पे मैंने कमेंट में डाल दिया दिस डेटा फॉर टर्मिनल ठीक है, अप्लाई कर दो, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको कर्सर ले आके आप ले लोगे। अब दूसरा चीज है कि इसको सर्च में आपका आसानी होगी, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप को सर्च कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सर्च कर रहा हूँ EXT, अब इसमें देखिएगा पिवट टेबल आ गया, डेटा पिवट आ गया, क्यों आया भाई? इसका नाम तो एक्सटर्नल है ही नहीं, नाम एक्सटर्नल है तो सर्च में क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर चीजें डली हुई है, तो इसे सर्च में भी आ जाएगी, सर्च करने में आपका आसानी हो जाएगी। हाँ सर्च करके आपका आ जाएगा, तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी मेंटेन कर सकते हो। मैंने कभी अबाउट के फाइल में कर सकते हो, हाँ प्रॉपर्टी डिटेल्स कर सकते हो यार, ठीक है सारे फाइलों में कर सकते हो, फोल्डर में कर सकते हो,